गाइस, अब हम चल रहे हैं इंदौर टू उदयपुर बाय द ट्रेन 09329 और ये चलती है 5:40 पे, जो कि इंदौर प्लेटफॉर्म 1 पे आती है। तो जैसे कि हम अनाउंसमेंट सुन पा रहे हैं, इसी तरीके से ये जाएगी जो सुबह 5 बजे पहुंचाएगी। अगर आपको भी इस ट्रेन से जाना है तो आप ध्यान रखेंगे टाइम से प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए, पहले पे आना है जो ऑनलाइन चालक को गाइड कर सकता है, जो हमें कर दिया था। तो हम पहले 4 पे पहुंच गए थे, फिर हम 1 पर आए हैं। तो हमने अपनी ट्रेन ले ली है और हमने अपनी टिकट भी कंफर्म करा ली, जो बिल्कुल जरूरी है। अभी कोविड है तो हम मास्क वगैरह लगा कर आए हैं, मैंने अभी थोड़ा छुपा के रखा होगा, दिस इज माई मास्क। सो आई एम टोटल प्रिपेयर फॉर द जर्नी एंड देखते हैं जर्नी में क्या क्या होगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलिए बाय, मिलते हैं फिर। हाय गाइस, हम ट्रेन में आ गए। ये जो हमारी ट्रिप है, इस इज द मोस्ट चीपेस्ट ट्रिप फॉर द सोलो ट्रेवलर एज अ फीमेल, बिकॉज हम 1000 में 2 डेज उदयपुर का एम लेकर चल रहे हैं। देखते हैं कितना क्या होता है और मैं आपको जरूर बताऊंगी किस तरीके से चीपेस्ट करना है। तो मैंने स्लीपर क्लास ली है क्योंकि ये 300 रुपये में इंदौर से वहाँ हो जाती है, 300 रुपये एक व्यक्ति के लिए है। तो ये जो 11 घंटे का सफर है इजीली हो जाता है। तो मिलते हैं फिर उदयपुर में, बाय। हे गाइस, जैसे हम उदयपुर जा रहे हैं आप घर में, तो मैंने एक अम्ब्रेला लिया है जो बहुत काम आएगा, जैसे कि अगर अनफॉर्चुनेटली बारिश होती है, जनरली जो समर सीजन है तो बिल्कुल भी नहीं होगी वहाँ पे, होगी सिर्फ गर्मी आएगी। दैट्स सो गुड एंड कैरी बैग बहुत अच्छा है ये ट्रेवल बैग, ताकि आप स्पीड में ला सकें, हर चीज़ कर सकें। एक वाटर बॉटल ली है जो मेरे काफ़ी काम आएगी, तो गर्मियों का समय हो, मैंने सारी ये यूजफुल चीज़ें ना इसमें सारी रख ली हैं, ताकि कोई भी ज़रूरत ना आए। हमेशा कैरी करके चले चद्दर वगैरह, ताकि आपको इजीली कहीं भी ले जाएँ यूज़ करें। कोविड का टाइम चल रहा है तो आपको ये काम बहुत अच्छा है, आप इन सारी ये ज़रूरी चीज़ें अपना पैक करके रख सकते हैं, जो भी चाहिए आपको, हर एक चीज़ आई यूज सैनिटाइजर फॉर द थिंग्स, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सारी चीज़ें हों। तो जैसे कि हम अपनी ट्रेन में स्टार्ट हो गई है हमारी जर्नी, जनरली अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, जनरली हो ही जाती है, आप टिकट करना भूल गए हैं, तो आप लास्ट टाइम पर आकर भी IRCTC से टिकट बुक कर सकते हैं, या टिकट ना लेते हुए भी आ सकते हैं और काउंटर से ले सकते। ट्रेन खाली मिलती है और बहुत ही कम लोग इसमें होते हैं जो कि जाते हैं सफ़र करते हैं। वैसे तो ये ट्रेन लगा लेती है 11 घंटे, जनरली सफ़र 7 घंटे का होता है। वरने ट्रेन है, वी हैव टू एडजस्ट लाइक दिस, और इसकी टिकट अंडर 300 के पड़ जाती है आपको, ऑल द टैक्सेस एंड ऑल। सो आप आसानी से आके 300 के अंडर में ले सकते हैं और अपनी एक सीट। ट्रेन का सफर शुरू होता है शाम को 5:30 बजे से, जो कि 5:45 तक ट्रेन चलने लग जाती है, और सुबह 4:30 तक आपको आराम से उदयपुर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सुबह अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने खुद की टैक्सी वगैरह कर सकते हैं, जो कि आसानी से कई बार नहीं मिलती है। अगर आप घूमने जाते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना होगा एटलीस्ट 7 AM तक या फिर 9 AM तक, अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको कोई रहता है तो फिर ज़्यादा। ये है हमारी चाय जो कि हमें मिली थी। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये है उदयपुर का रेलवे स्टेशन। सर बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई थी, तो मुझे कुछ टाइम था क्योंकि अभी टैक्सी वगैरह कुछ शुरू नहीं हुई थी, तो मैं लगा कुछ टाइम हमें रेलवे स्टेशन पर ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का ट्रिप हो गया था, तो इसलिए मुझे लगा कि होटल वगैरह लेना बेकार ही है, तो एक दिन में ही घूमते हैं और दिन से ही लौट आते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू, ये पूरी इन्होंने मिट्टी से बनाई हुई है, इट्स रियली गुड, क्योंकि अब तक मैं जितने स्टेशन पर गई हूँ मुझे अब तक ऐसा कहीं नहीं दिखा है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये स्टेशन पर पूरे में है, हमारे रोपवे का है जो हमने टिकट ली थी, और ये यहाँ से आप ये पूरी वैली देखने वाले हैं, जो कि ऐसे रास्ता था, आप भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। चलिए हाय गाइस, हमने यहाँ पे अपनी टिकट ले ली है जो रोपवे के लिए, जो हमें पूरे सिटी दिखाएगी। आप वैसे ये रोपवे दूध तलाई के जस्ट सामने ही है, तो अगर आप दूध तलाई घूमने आ रहे हैं तो ये रोपवे भी ले सकते हैं, जो कि आपको ऊपर का बहुत अच्छा व्यू दिखा सकता है। तो हमारा रोपवे चलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। हाय गाइस, यहाँ पे हमारा जो रोपवे है चल पड़ा है, तो सो ब्यूटीफुल सीनरी, आई वांट टू शो यू। बस हम पहुंचने वाले हैं करणी माता के दर्शन के लिए, तो मिलते हैं वहां। हाय गाइस, यहाँ पे हम हैं उदयपुर की ऊपर में, ये आप देख सकते हैं मेरे बिहाइंड में, कितना सुंदर है ये उदयपुर, देखें, इट्स सो ब्यूटीफुल, वी रियली लव दिस, कितना प्यारा है ये। यार देखिए रोपवे पे पूरा उदयपुर सारी लेक, कितना सुंदर लग रहा है ये, देख सकते हैं।
यहाँ पे और भी जो रोपवेज गए हुए हैं, ये देखें, ये बहुत ही सुंदर है। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें मिला करणी माता का मंदिर, जो कि उदयपुर में ऊपर चट्टान पर था। मुझे ये पता नहीं था, पर हम जब गए उस समय आरती चल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आरती को लाभान्वित लेते हुए। चलिए चलते हम आगे की सफर की ओर। माता के दर्शन करके जब हम नीचे उतरे तो हमारे साइड में था दूध तलाई, तो मुझे क्यों ना इसको भी देखा जाए, तो यहीं पर हम चले जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसा है दूध तलैया। It's pure like a milk, so it is beautiful as a steam. It has a good architect as we know in the Udaipur, so I think this is a perfect place to visit. So if you come here, you must visit Doodh Talaiya. You can see the beautiful scenery during the lake when we are visiting. Actually, we are in the auto. So if you want to take the auto in the Doodh Talaiya, you can just take a convenience. एक ऑटो पूरी बुक करी है पूरी सिटी के लिए, जिसमें यू कैन सी द कैमल, इट्स सो क्यूट, आई मीन यू कैन यू नो। वैसे दूध तलाई राजाओं की गौशाला के पास ही बनाया गया था, ताकि गायों की सारी जरूरतें उसमें से पूरी हो जाएं। इसे स्मॉल मिल्क पॉन्ड भी कहते हैं। तो इट इज अ दूध तलैया। यू कैन सी द ब्यूटीफुल प्लेस इन मिडल ऑफ द लेक। इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज इन उदयपुर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे ना ये पहाड़ दिया गया। इसमें एक दूध तलैया की पार्क भी है, बहुत अच्छा है। ऐसे हमने ना एक ऑटो लिया है, जो कि हमें आपको 800 से 500 के बीच में पूरा शहर घुमा देंगे, और तो आप घूम सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको एक देवी माता का मंदिर, जो कि रोप वे से है, जैसे आप पढ़ सकते हैं रोप वे है, उसमें जा सकते हैं। तो हेयर आई एम, शी इज माय फ्रेंड कल्पना। कल्पना से हाय, शी इज सो काइंड एंड शी। वैसे दूध तलाई घूमने के बाद मुझे लगा क्यों ना आगे का सफर और तय किए। चलिए मिलते हैं सहेलियों के बारी। ये महाराणा संग्राम सिंह जी ने बनवाई थी रानी के लिए और उनकी सहेलियों के लिए, जो उनके साथ आई थी विवाह करके। ये बहुत ही सुंदर है, उदयपुर में स्थित है सहेलियों की बारी से। ये अभी भी प्रचलित है, जो कि 18 सेंचुरी में बनाई गई थी। तो ये बहुत ही अच्छी, सिर्फ रानियां ही इसमें जा सकती थी, इसमें कोई भी पुरुष का जाना वर्जित था। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी उस समय ये बनाई गई थी। ये है कमल तलाई, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं। ये है सहेलियों की वाड़ी में, जो कि पूरे में जो कमल हैं वो लगाए गए हैं। आसपास हाथी के फव्वारे हैं, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप। दोपहर के टाइम पे जब मैं सहेलियों की वाड़ी पहुंची, तो उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मैं बहुत मौका मिल गया घूमने फिरने का, पूरी तरीके से एंजॉय करने का। और कमल तलाई में भले अभी कमल नहीं थे, पर ठीक है, पत्ते होने का उसमें लिखा हुआ था, तो भी ये सेटिस्फाई कि हाँ यहाँ कमल लगते ही होंगे। और साथ ही साथ मुझे लगा कि कुछ रील मटेरियल तैयार किया जाए, तो मैं शुरू हो गई। बस बिना गाना लगाए मैंने सोचा बना लेते हैं सिर्फ 4 लाइक के लिए। हे भगवान, मैं और मेरा दुख। कोई बात नहीं, अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्जॉय करें यहाँ की चीज़ें। वैसे मुझे बहुत कुछ घूमना था, जैसे कि द सिटी पैलेस एंड बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं घूम पाई। नेक्स्ट ट्रिप पर ज़रूर करूँगी, जो 2-3 दिन की होगी। इसमें सब कुछ होगा कवर और हर चीज़ होगा। आपको क्या क्या जाना है प्लीज़ मुझे कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।